जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 38 का पार्ट सेकंड सीखेंगे और प्रश्न सीखेंगे 10 वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो पूरी वीडियो को आप देखना। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 38 की पार्ट 1 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्न 10 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न 10, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से बोला है कि x और y में एक ऐसा संबंध कीजिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y को हमेशा p मानते हैं। क्या मानते हैं? p। बिंदुओं पहले को मान लेंगे अपन a, दूसरे को मान लेंगे b, से क्या है? समदूरस्थ है। आपको क्या करना है? x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। x और y संबंध ज्ञात करने का मतलब होता है पहले x आएगा, बीच में प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, फिर y आएगा, बराबर के बाद कोई भी संख्या अपने पास आ सकती है, संख्या 2 या 3। यानी अपन से बोला है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, पहले x आएगा, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, y आएगा, बराबर के बाद आती संख्या यानी 3 आ जाए। तो आपको यानी x और y में संबंध ज्ञात करना है। आपका आंसर इस प्रकार आएगा x प्लस या माइनस y बराबर कोई आई संख्या। इस प्रकार आपको x और y का संबंध ज्ञात करना है। और फिर आपने करा क्या, बिंदु x y को अपने p नाम मान लिया। क्या नाम मान लिया? बिंदु p नाम मान लिया। पहले वाले को अपन a माना, दूसरे वाले को अपन b माना, से समदूरस्थ है। तो अपन ने 9वां पृष्ठ में किया था, 7वां पृष्ठ में किया था, मैंने आपको समझाया था कि a और b दोनों व्यक्ति कैसे हैं? साथ में हैं। और मतलब क्या होता है साथ में? a और b दोनों व्यक्ति कैसे हैं? साथ में हैं। p व्यक्ति कैसा है? अकेला है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? बराबर होता है। ए और बी दोनों व्यक्ति साथ में हैं, पी व्यक्ति अकेला है, इसका मतलब होता है कि एक बार ए के साथ कौन आएगा? पी आएगा। एक बार बी के साथ कौन आएगा? पी आएगा। जो डबल व्यक्ति रहते हैं वो सिंगल वाले के साथ दोनों के साथ आता है। एक बार ए के साथ पी आएगा, एक बार बी के साथ पी आएगा। ये मैंने आपको समझाया है, अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देखिए आप कैसे करोगे। लिखोगे माना कि, क्या लिखोगे आप? माना कि, कॉमा लगाओगे, बिंदु क्या मानोगे इसको? P मान लो। क्या मान लो? P, P x कॉमा y। क्या मान लोगे? x कॉमा y। बिंदुओं क्या लिखा आपने? बिंदुओं पहले को आपने क्या माना? A माना। क्या माना आपने? A। तो A कौन मानोगे आप? 3.6। कौन मानोगे? 3.6। और दूसरे को आपने क्या माना? B माना। तो V के लिख दोगे -3.4। से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। तो आपने कौन लिखा? से समदूरस्थ है। अब आप लिखो प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे आप? प्रश्नानुसार। तो आपने कौन लिखा? प्रश्नानुसार। तो मैंने आपको अभी ये समझाया था कि सर बच्चों पहले को ए माना, ए बी माना, ए पी माना, समदूरस्थ है, ए और ए दोनों व्यक्ति साथ में हैं, मतलब सिंगल वाला व्यक्ति दोनों के साथ में आएगा। एक बार ए के साथ पी आएगा, एक बार बी के साथ पी आएगा, दोनों आपस में कैसे रहेंगे? बराबर। तो एपी बराबर कौन लिख देंगे हम? बीपी। हम कौन लिख देंगे? एपी बराबर कौन लिख देंगे हम? बीपी। इसको मान लेंगे समीकरण 1 यानी अतार्थ। क्या लिख दोगे आप? अतार्थ। इसको मान लिया समीकरण 1। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप एपी का मान निकालोगे, फिर आप बाद में बीपी का मान निकालोगे, फिर आपका एपी का मान आ जाएगा, बीपी का मान आ जाएगा। तो अब समीकरण 1 में एपी का मान रख दोगे, बीपी का मान रख दोगे, वहां से आप एक्स और वाई का संबंध ज्ञात कर दोगे। तो पहले किसका मान निकालते हैं अपन? एपी का मान निकालते हैं। लिखा आपने चूंकि ए और पी के बीच की दूरी, क्या लिखा आपने? ए और पी के बीच की दूरी, ए और पी के बीच की दूरी। तो पहले आप कौन निकाल रहे हो? एपी निकाल रहे हो। तो आपने कौन लिखोगे? एपी लिखोगे। एपी बराबर, एपी बराबर, एपी का सूत्र क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर।
वाई वन का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट, आपको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू का मान पता करना है। जब आप एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू का मान पता कर पाओगे, जब भी सूत्र में आप रख पाओगे। तो पहले अपन निकालते हैं एक्स वन वाई वन और एक्स टू। लिखा आपने यहां कॉमा लगाया, एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू। अब इनके मानों को अपन लिखते हैं। देखो आप एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कैसे पता करोगे, पहले आपके पास कौन आ रहा है a, a से आप कौन निकालोगे एक्स वन और वाई वन। तो आप सब लोग a से कौन निकालोगे एक्स वन और वाई वन। तो एक्स वन कौन हो जाएगा तीन, वाई वन कौन हो जाएगा छ। एक्स वन कौन हो जाएगा तीन, वाई वन कौन हो जाएगा छ। अब आपके पास कौन है p आ रहा है बाद में, तो p से आप कौन मानोगे एक्स टू और वाई टू। तो हम p से कौन मानेंगे, P से कौन मानेंगे x2 और y2। तो x2 कौन हो जाएगा x, y2 कौन हो जाएगा y, x2 x, y2 कौन हो जाएगा y। अब इनकी आसानी से मानों को रख दो। लिखते हैं अपन AP का AP बराबर का बराबर। अब देखो मान x2 आपके पास कौन है x, तो आप x2 कौन लिखोगे x, माइनस का माइनस। x1 कौन है तीन, x1 कौन है तीन, कितनी बार चल रहा है दो बार, प्लस का प्लस। y2 कौन है y, y2 कौन है y, माइनस का माइनस। y1 कौन है छ, y1 कौन है छ, कितनी बार चल रहा है दो बार। अब आप x में तीन को माइनस कर सकते हो क्या, नहीं सर। y में छह को माइनस कर सकते हो क्या, सर नहीं। तो यहां आप सूत्र लगाओगे माइनस का स्क्वायर वाला। कौन सा सूत्र लगाओगे आप, माइनस का स्क्वायर वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां भी सेम वही सूत्र लगेगा, माइनस का स्क्वायर वाला नहीं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र लगेगा दो बार, पर लगेगा तो लिखोगे तो आप एक ही बार, क्यों, यहां भी लग रहा है माइनस का, यहां भी लग रहा है माइनस का, लिखोगे एक बार पर सूत्र कितनी बार लगेगा दो बार। लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सब लोग जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का दो ए बी हो जाता है। तो आप सब लोग ए कौन बोल सकते हो एक्स बोल सकते हो, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल। वी कौन बोल सकते हो तीन, ए आप एक्स बोल सकते हो, वी आप तीन बोल सकते हो। तो यहां आप ए की जगह एक्स लिखोगे, वी की जगह आप तीन लिखोगे। तो अपन लिखते हैं एपी का एपी बराबर का बराबर। तो आप ए की अकाउंट लिखोगे एक्स, तो बी की अकाउंट लिखोगे तीन, याद रखना ए की जगह एक्स, कितनी बार दो बार, प्लस का प्लस। वी की जगह तीन, वी की जगह तीन, कितनी बार दो बार, माइनस का माइनस, दो का दो, कुछ ना हो तो इनटू ए की जगह एक्स, ए की जगह एक्स, कुछ ना हो तो इनटू वी की जगह तीन, वी की जगह तीन। आपने एक्स मतलब तीन का होल स्क्वायर का यहां तक सूत्र तक आपने खोल दिया। अब आगे कौन है प्लस, अब आपने एक्स मतलब तीन का होल स्क्वायर खोल दिया, यहां तक हो गया। अब आगे द्वारा फिर होल स्क्वायर खोलेगा। अब आगे क्या करोगे ध्यान से देखना, आप देखो आगे अब आप क्या करोगे, ये तो एक्स था आपके लिए, ये आपके पास तीन था। अब आप क्या बोल सकते हो, ए का मान कौन बोलोगे आप बाय, अब ए का मान कौन बोलोगे बाय, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। और आप यहां इस प्रकार वी का मान कौन बोल दोगे छः। आपको दो बार सूत्र खोलना था, एक्स मान तीन का होल स्क्वायर खोलना था, तो अपने एक्स मान तीन का होल स्क्वायर खोल दिया। अब आगे अब बाय माने छः का होल स्क्वायर खोलोगे, अब आप ए का मान कौन बोलोगे बाय, वी का मान कौन बोलोगे छः। तो अपन रखते हैं मन में, आप याद रखना कि ए का मान कौन लिखोगे वाई, वी का मान कौन लिखोगे छः। तो अपन लिखते हैं ए का स्क्वायर, ए कौन है वाई, ए किएगे वाई, कितनी बार दो बार, प्लस का प्लस। वी किएगे छः, तो वी किएगे छः, कितनी बार दो बार, माइनस का माइनस, दो का दो, कुछ ना हो तो इनटू ए, ए कौन है बाय, ए की अगे बाय, कुछ ना हो तो इनटू वी की अगे छः, तो बी की अगे छः। आगे देखो आप एपी का एपी बराबर का बराबर, स्क्वायर खोल दो इनके पास, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर तीन इंटू तीन नौ, माइनस का माइनस, दो तिया छः, एक्स का एक्स, प्लस का प्लस। वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस का प्लस, छः का स्क्वायर छत्तीस, माइनस का माइनस, दो छके बारह, वाई का वाई। अब आप क्या करोगे, लाइन टू लाइन जमा दोगे, पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले, फिर एक्स वाई वाले, फिर लास्ट में संख्या। तब क्या लिखोगे, एपी बराबर, एपी बराबर
पहले स्क्वायर वाला, पहले कौन लिखोगे एक्स स्क्वायर, फिर कौन लिख दोगे आप वाई स्क्वायर, पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस फिर आप लिखोगे वाई स्क्वायर, अब एक्स वाला फिर वाई वाला, माइनस का 6x और माइनस का 12y, माइनस का 6x और माइनस का 12y, लास्ट में आ जाइए संख्या, लास्ट में आपके पास कौन कौन बचा, प्लस का 9 और प्लस का 36, 9 प्लस 36 कितना हो जाता है 45, ये आपके पास किसका मान आ गया एपी का मान आ गया, क्यों ना आगे प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, ये किसका मान आया एपी का मान आया। अब आप किसका मान निकालोगे बीपी का मान निकालोगे, लिखोगे पुनः क्योंकि V और P के बीच की दूरी, B और P के बीच की दूरी, V और P के बीच की दूरी, तब कौन निकालोगे BP निकालोगे, लिखोगे BP बराबर उस सूत्र क्या होता है बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां करके आप मान निकालोगे x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 और y2। अब मान कैसे निकालो थोड़ा ध्यान से आप देखना, देखो पहले आपके पास कौन आ रहा है v, तो v से कौन निकालोगे अब x1 और y1, b से आप कौन मानोगे ये x1 और y1, x1 कौन होगा माइनस का 3 और y1 कौन हो जाएगा 4, x1 माइनस का 3 y1 कौन हो जाएगा 4। अब आपके बाद में कौन आ रहा है पी, पी से मानोगे एक्स टू और वाई टू, पी से आप मानोगे एक्स टू और वाई टू, एक्स टू एक्स और वाई टू वाई, एक्स टू एक्स वाई टू वाई, इनके आपको मानों को रखना है सिंपल बस। तो मानों को रखते हैं अपन, वीपी का बीपी बराबर का बराबर, देखो एक्स टू आपके पास कौन है एक्स, तो एक्स टू कौन लिख दोगे एक्स, माइनस का माइनस, एक्स वन कौन माइनस का 3, एक्स वन कौन माइनस का 3, माइनस वाला कोष्टक के अंदर, बड़ा कोष्टक बंद कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, वाई टू कौन है वाई, वाई टू कौन है वाई, माइनस का माइनस, वाई वन कौन है 4, वाई वन कौन है 4 कितनी बार 2 बार। देखो हम बीपी का बीपी बराबर एक्स का एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 का 3 कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस, y माइनस 4 पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे x में प्लस 3 कर सकते हो क्या, नहीं, y में 4 माइनस कर सकते हो क्या, नहीं, तो यहां प्लस का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओगे या माइनस का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओगे, सूत्र आप दो बार लिखोगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो अपन लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, कॉमा लगा हुआ है, अब लगाओ माइनस का सूत्र, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब थोड़ा ध्यान से देखना, वीपी का बीपी बराबर का बराबर, तो पहले आप सूत्र किसका लगा हुआ है प्लस का, तो आप ए का मान कौन बोल सकते हो एक्स बोल सकते हो, और आप सब लोग v का मान कौन बोल सकते हो 3 बोल सकते हो, तो आप a की जगह कौन लिखोगे x लिखोगे, b की जगह कौन लिखोगे अब 3 लिखोगे, तो अपन लिखते हैं a की जगह x और b की जगह 3, a की जगह x कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, v की जगह 3, v की जगह 3 कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, 2 का 2 कुछ ना हो तो इनटू a की जगह x, a की जगह x कुछ ना हो तो इनटू b की जगह 3, v की जगह 3 प्लस का प्लस। अभी आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र खोल दिया, अब आगे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र खोलोगे, अब आप a का मान कौन बोल सकते हो y बोल सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल, और b का मान कौन बोल सकते हो आप 4 बोल सकते हो, तो आप यहां a की जगह y लिखोगे और b की जगह 4 लिखोगे, तो लिखते हैं a की जगह y कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, v की जगह 4 तो b की जगह 4 कितनी बार 2 बार, माइनस का माइनस, 2 का 2 कुछ ना हो तो इनटू a की जगह y और b की जगह 4, a की जगह y कुछ ना हो तो इनटू v की जगह 4, अब इनका स्क्वायर खोल दो, bp का bp बराबर का कौन चल रहा है आपके लिए बराबर, देखो आगे x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी x स्क्वायर प्लस में 9, आगे देखो प्लस था
आगे अपने पास कौन था, प्लस था। अब दो तीन कितना होता है छह, और इनटू एक्स में कौन होगा छह एक्स, प्लस का प्लस। अब आगे देखो वाई का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर चार का स्क्वायर कौन हो जाता है सोलह, वाई स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर सोलह। आगे कौन था माइनस था, माइनस था, दो चौके आठ और वाई का वाई, दो चौके आठ और वाई का वाई, इनको लाइन टू लाइन अब जमा दो, वीपी का बीपी बराबर का बराबर, पहले स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर वाला कौन है वाई स्क्वायर, अब एक्स वाला प्लस का छ एक्स, अब वाई वाला माइनस का आठ वाई। अब संख्या नौ और सोलह कितना हो जाता है पच्चीस। अब ना ये प्लस हो सकता ना माइनस हो सकता, एपी का मान आया वीपी का मान आया। आपने क्या करा था, एपी बराबर बीपी समीकरण एक मानी थी, तो अब लिखोगे समीकरण एक से, यहां एपी का मान लिखोगे यहां बीपी का मान लिखोगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी, तो यहां एपी का मान लिखो वहां बीपी का मान लिखो, देखते हैं आपके पास एपी का मान कौन आया। तो आपके पास एपी का मान था, एपी का मान आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस छ एक्स माइनस बारह वाई प्लस का पैतालीस, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का छ एक्स माइनस का बारह वाई प्लस का पैतालीस। एक बार चेक कर लो आप, एपी का मान यही था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का छ एक्स माइनस का बारह वाई प्लस का पैतालीस। अब आप यहां लिखो बीपी का मान, बीपी का मान आपके आंखों सामने लिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का छ एक्स माइनस का आठ वाई प्लस का पच्चीस, ये आपने बीपी का मान लिख दिया। अब ना यहां प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, तो पहले भी सिखाया था मैंने, जब रूट के अंदर कोई संख्या होती है जब ना प्लस और माइनस हो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग क्या करते हैं, जिससे वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है कैंसिल, तो जो संख्या होती है वो आ जाती है, जिससे आप एक्स और वाई का मान संबंध आप ज्ञात कर सकते हो। तब लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर करते हैं मैं कैसे करेंगे ध्यान से आप देखना, देखो लिखो सेम ही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का छ एक्स माइनस का बारह वाई प्लस का पैतालीस, इस पे लगाया वर्ग लगाया बराबर का बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का छ एक्स माइनस का आठ वाई प्लस का पच्चीस, इस पे के लगाया वर्ग लगाया। अब आप सभी लोग जानते हो कि सर वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है कैंसिल, जो बचता वही लिखता है, इसलिए अपन ने इसलिए वर्ग किया था, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस छ एक्स माइनस का बारह वाई प्लस का पैंतालीस बराबर, वही वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, जो अच्छा वो लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का छ एक्स माइनस का आठ वाई प्लस का पच्चीस। अब इनके चिन्हों को बदल दो कैसे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का छ एक्स माइनस का बारह वाई प्लस का पैंतालीस। अब देखो ये प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में, प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में, प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में, माइनस वाला किस में आ जाएगा प्लस में, प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में, वो बराबर आपने क्या मान रखा है, मान लेते हैं जीरो। अब जो काटना है काट दो, प्लस वाले एक्स स्क्वायर से माइनस में एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, प्लस वाले वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, आपके पास कौन कौन बचा माइनस का छ एक्स और माइनस का छ एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, तो छ एक्स और छ एक्स कौन हो जाएंगे बारह एक्स। अब आ जाओ बाय वाले पर, तो माइनस का बारहवा है और प्लस का आठवा है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बारह वाई में से आठ वाई घटाएंगे कितना आएगा चार वाई, चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, कौन आ जाएगा माइनस का चार वाई। अब आगे देखो प्लस का पैतालीस, प्लस का पैतालीस है और माइनस का पच्चीस है, पैतालीस माइनस पच्चीस कौन होता है बीस हो जाता है, बराबर कौन चल रहा है जीरो। अभी अपने एक्स और वाई का संबंध नहीं आया, अब माइनस बारह माइनस चार बीस, ऐसी कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी जिसे बारह भी कटे चार भी कटे बीस भी कटे, सर बारह चार बीस ऐसी संख्या चार भी कट जाए, पर आगे चिन्ह किसका है माइनस का है, तो माइनस चार से वो करना पड़ेगा भाग, आगे प्लस होता तो प्लस से करते, माइनस होता है तो माइनस से करोगे, किससे भाग करो माइनस चार से भाग कर रहे हैं, तो माइनस चार से भाग क्यों कर रहे हैं, जिससे सब संख्या आपस में क्या हो जाए कट जाए दोनों पक्षों में, क्यों
बराबर के पहले होता पहला पक्ष, बराबर के बाद होता है दूसरा पक्ष। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में माइनस चार से भाग करने पर, माइनस चार से भाग करने पर, किससे भाग करना, माइनस चार से करेंगे। देखो माइनस बारह एक्स सेम लिखा, माइनस चार बार सेम लिखा, प्लस बीस सेम लिखा, बराबर आपने जीरो सेम लिखा। जो ऊपर था वही नीचे लिखा, किससे करना, माइनस चार से भाग, माइनस चार नीचे, माइनस चार नीचे, माइनस चार नीचे, माइनस चार नीचे। तो आपको ये काटना नहीं है, अगर आप काट के आप दिखाओगे तो आप लगेगा नहीं कि आपने माइनस चार से भाग किया है। तो आप डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट हम समझ जाएंगे कैसे काटेंगे। ये माइनस माइनस का वो कैंसिल, अगर आप माइनस माइनस काट लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने माइनस चार से भाग क्यों करा है, मतलब दिखेगा कि माइनस चार से भाग करा है। तो नॉर्मल ओरिजिनल तरीके से आप सोचो, माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल। चार के बारह बारह कितनी बार में आते हैं, तीन बार में, एक्स का एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, चार से चार कैंसिल, कौन बचा, प्लस का बाय। ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। चार के पॉइंट बीस कितनी बार में आते हैं, पांच बार में, और जीरो का भाग करते हैं कितना आंसर आता है, जीरो। तो तीन एक्स प्लस का वाई बराबर जीरो का मतलब होता है क्या, नहीं, पांच किस में है, माइनस, किस में जाकर प्लस में। तो मैंने वही सिखाया था, एक्स वाई का संबंध ज्ञात करना था, पहले एक्स आया, बीच में प्लस माइनस से आया, वाई बराबर के बाद आई संख्या, जी आपका एक्स और वाई का संबंध ज्ञात हो गया। एक्स के साथ भी कोई संख्या सकती है, वाई के साथ भी कोई संख्या सकती है, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो लास्ट में लिख दोगे, अतः यही एक्स और वाई का संबंध है, अतः यही एक्स और वाई का संबंध है, अतः यही एक्स और वाई का संबंध है। इस प्रकार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको करा दिया है। थैंक यू।